क्वेश्चन में हम कंटिन्यू कर रहे थे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द टाइम स्पेंट बाय शॉपर्स इन अ लार्ज शॉपिंग सेंटर है द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन। वो कह रहे हैं एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, मीन दिया हुआ जनाब हमारे पास 96 और स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई 18। यहाँ पर स्क्वायर करके लिखते हैं। वो कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो 85 से लेकर 100 तक की। तो इसका तरीका ये होता है कि बड़े वाले का फाई निकालेंगे और छोटे वाले का फाई निकालेंगे। तो पहले हम इसको लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन 100 माइनस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन 85। जनाब इसको हम फाई की फॉर्म में लिखेंगे। फाई की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक्स वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की बनेगा जनाब फाई ऑफ एक्स वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। बड़े आराम से यहाँ से आंसर हम निकाल लेंगे। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 88% शॉपर्स वो हैं जिन्होंने मोर देन 2 मिनट्स लगाए। अब सर यहाँ पर एटी हमें फाइव माइनस 96 जो नेगेटिव में आंसर आएगा उसको वन से भी माइनस करेंगे ना। जी, वो बिल्कुल करेंगे, वो अपनी जगह पर करेंगे, ठीक है। जो वैल्यू आएगी फिर उसको हम फाइव की वैल्यू निकाल के 1 में से माइनस करेंगे। अच्छा, अब हमारे पास इनवर्स नॉर्मल के लिए हम क्या करते हैं, इनवर्स नॉर्मल के लिए अब हमें देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से चीजों को करते हैं। जनाब जैसा कि हमें पता था कि ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है, ठीक है जी, ये हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व है। तो हमें पता है कि भाई इससे आगे 50% है, इससे आगे पीछे जो 50% है। अब जब आप टेबल देखते हो, टेबल अगर मैं आपको दिखाऊं तो टेबल के अंदर जब आप इनवर्स का मतलब है कि अब आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है और आपने जी वैल्यू देखनी है, तो प्रोबेबिलिटी जो आपको गिवन है बेटा, पहली बात कि वो लेसर देन की गिवन है और प्रोबेबिलिटी आपको 0.5 से शुरू है, तो इसका मतलब है कि वो प्रोबेबिलिटी आपको सिर्फ इस पोर्शन की बता रहा है, मतलब पॉजिटिव पोर्शन की। तो प्रोबेबिलिटी आपको जो यहाँ गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन की गिवन है। तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी 50% से छोटी है, तो इसका मतलब है भाई लेट से अगर आपको कहा हुआ है उन्होंने कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन ए कोई नंबर है और ये जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको लेट से दी हुई है 0.75, कि आपको दिया हुआ है 0.75 या 0.7512। अब बेसिकली हो क्या रहा है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आपके पास कोई वैल्यू होगी, ठीक है, लेट से ए, कोई एक वैल्यू होगी लेट से ए, और उससे पहले का जो रीजन है वो पोर्शन हमारे पास हमें दिया हुआ है 0.7512 का, ठीक है। तो हमें बेसिकली ये वाली वैल्यू हमें ढूंढनी है 7512, और यहाँ पर जी की बात है तो इसका मतलब है जो म्यू है वो जीरो पे खड़ा हो। फिलहाल हम जी के हिसाब से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब अगर हम इनवर्स देखना चाहें तो 7512 ढूंढेंगे। अब 0.7512 आपने ढूंढना है, तो 0.75 पहले ढूंढें। अब 0.7512 बोला था मैंने, तो यहाँ पर चले मैं 119 कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए, ठीक है जी। अब ये वैल्यू हमें यहाँ टेबल के अंदर ढूंढनी है क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है। अगर आप यहाँ पर देखें 0.7519 प्रोबेबिलिटी है, तो जनाब 75 तो हमने ढूंढ लिया और 19 से करीब हमने एक नंबर ढूंढ लिया जो कि है जनाब 7517। अब आपको पता है कि ये वाली वैल्यू इसके अंदर प्लस होती थी, तो 7517 में, हाँ भाई 7517 में अगर मैं 3 प्लस करूँ तो ये हो जाएगा 7.20 जो कि करीब करीब 7.7519 है। ये बात समझ आ रही है? सर अगर 0.77 लें और फिर हम +13 कर लें तो वो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। 7519 है बेटा, तो 75 के करीब नंबर ढूंढूंगा ना, 77 थोड़ी ढूंढूंगा। अच्छा, सॉरी। सही है,
7519 है। तो अब ये नंबर मैंने देख लिया, अब इनके अगेंस्ट मुझे देखना पड़ेगा। तो ये किस में आ रहे हैं, ये 0.6 में है, 0.6 के किस में है, 8 में है, और 8 के किस में है, 1 में है। तो इसका मतलब है इसकी जो जी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी जो जी वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, जो ए बनेगा वो यहाँ देख के हम बताएं क्या बनेगा, 0.68 का। जनाब ये आ गया 0.681, क्या ये बात समझ आ रही है, इनवर्स देखना आ गया। इनवर्स देखना आ गया, प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, इनवर्स देखना आ गया। जी सर आ गया। ओके, अब लेट से उन्होंने हमें कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन ए या ग्रेटर देन ए, चलें ग्रेटर देन ए आपको दी गया 0.2135 दिया हुआ। तो अब जेड ग्रेटर देन ए का क्या मतलब है, अच्छा यहाँ पर क्या मतलब था कि भाई वो इस रीजन की बात कर रहे हैं। अच्छा अब ग्रेटर देन का मतलब है इसको पहले हम लेसर देन में कन्वर्ट कर लें। तो जेड लेसर देन ए का मतलब है कि हम वहां से माइनस करते हैं, तो वन में से अगर हम माइनस करें तो कितना आ रहा है, 1-0.2135 0.7865। तो इसका मतलब है ये मेरे पास सेम डायग्राम है, बस यहाँ पर जो परसेंटेज हमें दी हुई है, जो प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 0.7865, और ये वाली उन्होंने दी हुई थी हमें 0.2135। कॉन्सेप्ट समझ आ गया, क्योंकि जी टेबल लेसर देन के लिए बना हुआ है तो हमें उसको लेसर देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक बात समझ आ गई, ठीक है। अब हमें 7865 पे ढूंढना है, मीरा यहाँ तक बात समझ आ गई, अब 7865 पे ढूंढना है, 7865 7865, हाँ भाई ये नंबर मिल गया हमें 7852। इसमें अगर मुझे इसके अंदर मैं 12 प्लस कर लूँ, 7852 में अगर मैं 12 प्लस कर लूँ तो हो जाएगा 7864, जो कि अप्रोक्सीमेटली 7865 के बराबर है। तो ये नंबर मुझे मिला, ये नंबर मुझे कहाँ मिला, 0.7 में मिला, 9 में मिला और उसके 4 में मिला, तो 0.794 इज माई आंसर। तो जनाब ए आएगा 0.794, क्या ये बात समझ आ गई बच्चों, इन्वर्स निकालना आ गया। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर प्रोबेबिलिटी जेड लेसर देन ए आपको दिया हुआ है और वेड लेट से वैल्यू दी हुई है 0.3146, तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी वैल्यू है जनाब। यहाँ पर अब हमारे पास लेट से उन्होंने कहा कि भाई ये प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 0.3146 है। अब 3146 का मतलब है कि आपका 50% से कम पोर्शन है, 50% से कम पोर्शन का मतलब है कि आपको ये वाला हिस्सा दिया हुआ है। तो पहली बात तो ये कंफर्म हुई कि भाईजान ये जो ए है ये एक्चुअली यहाँ पर तुम्हारे पास नेगेटिव वैल्यू है, तो इसको तुम लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन माइनस ए एक्चुअली इज इक्वल टू 0.3146। तो ये बात तुम्हें कंफर्म हो गई कि अगर प्रोबेबिलिटी 50% से छोटी है तो ये जो ए लिखा हुआ है ये ए नहीं है बल्कि माइनस ए है। ये बात समझ आ गई, ये खुद से कर देंगे हम माइनस, ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, क्योंकि ये माइनस वाली प्रोबेबिलिटी है तो हम इसको 1 में से माइनस करके लिखेंगे, और जब हम 1 में से माइनस करके लिखेंगे तो अब ये वाली साइड जो नेगेटिव है वो उधर जाके हो जाएगी पॉजिटिव। तो जनाब ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन ए इज इक्वल्स टू
क्या बन जाएगा जनाब, 1 - 0.3146, तो ये आया जनाब 0.6854। अब 6854 ढूंढना है, तो 6854 ढूंढना है, 6 8 ढूंढ लिया, 4 4 ढूंढ लिया, 6 8 4 4 ढूंढ लिया, इसमें 11 प्लस कर लेते हैं, तो 6 8 4 4 में अगर मैं 11 प्लस कर लूं तो ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाएगा 6855 के। ये आंसर कहाँ पे आ रहा है बेटा, ये आंसर आ रहा है 0.483 पे आ रहा है। ये आंसर कहाँ पे आ रहा है, 0.483 पे आ रहा है। तो ए की वैल्यू जो आंसर आ रहा है यहाँ पर 0.483 आ रहा है, लेकिन ये जो ए है हमें पता है कि ये नेगेटिव है। सही आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कब ए माइनस होगा, जब प्रोबेबिलिटी 0.5 से छोटी होगी, जब प्रोबेबिलिटी 0.5 से छोटी होगी तो हमें पता होगा कि यार ये नेगेटिव वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी कम दी हुई उसने, ठीक है। तो जनाब हमारे पास जो ए आ रहा है वो माइनस के साथ आएगा, क्यों माइनस के साथ आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो गिवन थी वो ओरिजिनली 50% से कम थी, तो इसका मतलब जो ए वैल्यू है ये नेगेटिव है। बात समझ आ गई, कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर एक बार वापस समझाइए। देखो बेटा जो प्रोबेबिलिटी गिवन थी हमें वो 0.5 से छोटी थी, जब 0.5 से छोटी थी तो मुझे ये बात पता चल गई कि ये इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ए जो है वो नेगेटिव साइड पे लाई कर रहा है, तो ए की वैल्यू नेगेटिव होगी। अगर ए की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मैंने इसको नेगेटिव करके लिख लिया, जब नेगेटिव के लिए होता है तो हम इसको 1 में से माइनस करके लिखते हैं, जब 1 में से माइनस करके लिखते हैं ये इधर माइनस हो रहा था वहां जाके पॉजिटिव हो गया, और जो वहां पॉजिटिव था वहां यहाँ के नेगेटिव हो गया। बात समझ आ गई सर? तो एंड वाला पार्ट समझ नहीं आया, जब पी जी इज ये कैसे आया? हाँ ये कैसे आया बेटा, ये लिखा हुआ लेफ्ट को राइट पे लिखा, राइट को लेफ्ट, आंसर ए कैसे आया? वो तो इन्वर्स करके आता है ना भाई, प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है तो ये वाली वैल्यू तो टेबल के अंदर देखोगे ना आप। अच्छा, यहाँ देखिए, जो यहाँ देखी है हमने 0.6844, प्रोबेबिलिटी देखी उसके अगेंस्ट जी वैल्यू देख ली, बस जो जी आंसर आएगा वो फाइनली हम खुद से नेगेटिव में लिखेंगे आंसर, 50% से कम है। हाँ ठीक है, क्योंकि ओरिजिनली 50% से कम था वो, ओरिजिनली 50% से कम था वो, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर लेट से उन्होंने कहा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ग्रेटर देन आपको दिया हुआ है ए, और वो आपको दिया हुआ है लेट से 0.812, तब वो इसका मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई एक वैल्यू है ए, ठीक है, उससे बड़ी वैल्यू 0.812 है, तो ओरिजिनली इसका मतलब क्या है कि भाई ये ए इस तरफ होगा ना, जब ही तो इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है प्रोबेबिलिटी की, भाई वो कह रहा है इससे बड़ी प्रोबेबिलिटी है 0.812। बात समझ रहे हो बेटा? तो पहले ग्रेटर देन को आप क्या करोगे, लेसर देन में कन्वर्ट करोगे, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन ए, कितना आएगा बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन ए कितना आएगा, 1 - 0.812, तो ये आ गया 0.188। अब ये बात तो हमें पता चल गई कि भाई ये कोई नेगेटिव वैल्यू है, और नेगेटिव वैल्यू को डील कैसे करते हैं वो आपको मैं सिखा चुका हूँ, कि इसको आप कंसिडर करोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेसर देन माइनस ए, फिर उसको आप पॉजिटिव बनाओगे, पॉजिटिव आप कैसे बनाओगे, पॉजिटिव आप बनाओगे इसको 1 में से माइनस करके लिखोगे, और फिर उसके बाद आप टेबल से वैल्यू निकालोगे। बात समझ आ गई, क्लियर हो गया, क्वेश्चंस पे आ जाएं। सर फिर जो आंसर आएगा उसको हम जी वैल्यू में देख के इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू से देखेंगे, और आंसर जो लिखेंगे वो नेगेटिव में लिखेंगे, फाइनल आंसर नेगेटिव में लिखेंगे, ठीक है। सही है सर, ओके। तो जनाब यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है, अगर 88% ऑफ द शॉपर्स, वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी आपको दिया हुआ है 88%,
तो ग्रेटर देन का मतलब है आप इसको लेसर देन में कन्वर्ट करोगे। जगह प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन टी आपको दिया हुआ है कितना 0.12। जनाब ये वैल्यू 0.5 से छोटी है। 0.5 से छोटे का क्या मतलब है कि आपके पास ये कुछ ऐसा दिया हुआ है कि ये नेगेटिव साइड पर होगा, ठीक है, और ये उससे कम की बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं इससे कम की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.12 है। तो हमें ये बात पता चल गई कि ये वैल्यू नेगेटिव है। तो इसका मतलब है मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं इसको लिखूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन नेगेटिव टी इज इक्वल्स टू 0.12। तो ये जाएगा वन में से माइनस, तो ये जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन टी बन जाएगा 0.12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन टी बन जाएगा 0.88। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है सर? कैलकुलेटर से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें वर्किंग दिखानी पड़ती है। तो बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर हमें एक और मेथड से हम ये कर सकते हैं कि जब हम यहाँ पर इसको z की फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, t माइनस म्यू। म्यू कितना था हमारे पास, 96 अपॉन सिग्मा, सिग्मा हम लिखेंगे 18, और ये हो गया 0.12। तो हमें पता है कि हमें इसको यहाँ पर अगर t माइनस 96 अपॉन 18 को यहीं छोड़ देंगे तो ये प्रोबेबिलिटी उधर जाके बन जाएगा phi इनवर्स। और phi इनवर्स याद रखो बेटा, क्या बता रहा हूँ मैं, इन शॉर्ट बस आप ये याद रखो कि अगर आपके पास phi इनवर्स, इफ phi इनवर्स आपको निकालना हो एक ऐसे नंबर का a का, और उसमें जो a है वो 0.5 से छोटा हो, तो आप क्या करो, पुट नेगेटिव साइन ऑन अदर साइड एंड टेक दिस वैल्यू पी, सॉरी एंड टेक पी को आप कन्वर्ट कर दो 1 - p में। तो बेसिकली जो 0.12 है वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे, और माइनस साइन लगाने के बाद हम यहाँ पर इसको लिख देंगे phi इनवर्स 0.88। कॉन्सेप्ट समझ आ गया बेटा? क्लियर है बेटा? सर नेगेटिव लगाने का मकसद क्या? नेगेटिव लगाने का मकसद जो आपको यहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया था कि बेसिकली आपके पास अगर वैल्यू छोटी होती है तो आपको पता होता है कि ये अल्टीमेटली, सॉरी कहाँ चला गया, अगर ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है, अगर ये वैल्यू हमारे पास प्रोबेबिलिटी 0.5 से छोटी है, अगर ये प्रोबेबिलिटी 0.5 से छोटी है तो हमें ये बात पता होती है कि ये बेसिकली ग्राफ के अंदर नेगेटिव वैल्यू है, जब भी वो 0.5 से छोटी प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, समझ आ गई? समझ आ गई? यस सर। जनाब 0.88 की जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो हमें निकाल के कौन देगा, टेबल देगा। तो 0.8 पे मैं निकाल लूँ, 88 पे, तो 0.88, तो 0.88 बेसिकली ये रहा 0.8790 के पास है। तो इसमें कितना प्लस करूँ, इसमें 10 प्लस करूँ, तो इसका मतलब ये कितना होगा, 1.175 बनेगा, 1.175 ये बनेगा 1.175। तो अगेन 96 माइनस टी इक्वल्स
1.175 into 18, तो क्या 21.2, 21.15, यहाँ से टी निकालना है तो 96 में से ये वैल्यू माइनस कर दो, आ गया 74.85। समझ आ गई बेटा? कह रहे बच्चों राइम में जमाल बेटा आपका कोई फायदा नहीं है इस टाइम पे आने का। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं the lengths of leaves of a particular type of tree are modeled by normal distribution. A scientist measures the lengths of a random sample of 50 leaves from this type of tree and finds that 42 are less than 4. Basically, आपको यहाँ पर जो कि हमारे पास x lesser than 4 हैं, वो हमारे पास 42 trees हैं out of 500. और हमारे पास जो ग्रेटर देन 100 है, नहीं ग्रेटर देन 10 है, वो हमारे पास 100 आउट ऑफ 500 है। तो जनाब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास मीन है और मीन हमें ढूंढना है। तो वो कह रहे हैं 10 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है, तो यहाँ पर कहीं हमारे पास 10 है, ये प्रोबेबिलिटी हमें दी हुई है 0.2, और यहाँ पर कहीं हमारे पास 4 है, इससे कम की प्रोबेबिलिटी हमारे पास दी हुई है। कितनी दी हुई है जनाब? हमारे पास दी हुई है 42/500 का मतलब है 0.084। तो इसका मतलब है कि हमें ढूंढना क्या है, हमें मेन ढूंढना और स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है। इसको हम लिख लेते हैं 0.084 और इसको हम लिख लेते हैं 0.2। तो हम लिख सकते हैं कि जनाब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन 10 हो जाएगा 0.8, और ये तो हमारे पास लेसर देन ही है। सर आपको एक से पता लगा कि 0.084 लेफ्ट साइड ऑफ द ग्राफ पे होगा, क्योंकि 0.5 से छोटा है ना सर? तो मीन 0.5 का आता है जनरली? नहीं, प्रोबेबिलिटी 0.5 से छोटी है ना। अच्छा, तो ये वाला हिस्सा 0.5 से छोटा होता है, ये वाला हिस्सा 0.5 से बड़ा होता है, क्योंकि हम तो लेसर देन की प्रोबेबिलिटी बता रहे होते हैं ना। 0.8 का मतलब है ये पूरा रीजन आधे से आगा, आधे से आगे। सही समझ आ गई? यस। अच्छा, इसको जब फाई बनाओगे तो ये बन जाएगा फाई ऑफ एक्स वैल्यू माइनस म्यू सर अपॉन सिग्मा। जी बेटा बोलिए। जो 0.2 है वो 0.5 से बड़ा तो नहीं है? 0.2 बता रहा है इससे बड़ा, 10 से बड़ा, तो 10 से जो आगे का पोर्शन है वो 0.2 है, तो इसका मतलब वो वाली साइड राइट साइड की बात कर रहा है। सही है, सही है। अच्छा जी, ये बन जाएगा फाइव जनाब। यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेसर देन 10 आपके पास बन गया 0.8, तो फाई ऑफ क्या बन जाएगा जनाब? 10 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू 0.8। तो ये 4 माइनस म्यू इधर ही रहेगा, इधर जाके बन जाएगा फाई इनवर्स 0.084। तो जनाब ये वैल्यू 0.5 से छोटी है, अगर 0.5 से छोटी है तो यहाँ हम नेगेटिव लगा देंगे। नेगेटिव लगाने के साथ साथ अब जो फाई इनवर्स निकलेगा वो 0.084 का नहीं निकलेगा। ये महात भाई को दे दो, वो लोग अभी चेक करके देते हैं। सर कह रहे हैं अपने सामने चेक करवा लो। ये बन जाएगा 0.916। ये बात समझ आ गई बेटा? ये बन जाएगा जनाब 10 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा,
और ये बन जाएगा जनाब फाई इनवर्स ऑफ 0.8। ये बात समझ आ रही बेटा? प्लीज रिस्पॉन्ड कीजिए, ये बात समझ आ गई? जी सर। अमार नीरान 0.2 नहीं होगा ना बेटा, इसको ग्रेटर देन से मैं लेसर देन में कन्वर्ट कर चुका हूँ। ठीक है मीरान? ओके अब जनाब ये हो जाएगा 4 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। 0.916 ढूंढना है अभी, 0.916 ढूंढो, 0.916, 0.916, तो 0.9147 है, यहाँ से 13 उठाना है क्योंकि 9147 में 13 प्लस करूँगा तो 1.3 के बाद 7 के बाद 8, 1.378, तो ये बन रहा है 1.378। ये हो गया 1.378 सिग्मा, यहाँ से निकाल लो म्यू की वैल्यू, ये हो गया 4 माइनस 1.378 सिग्मा। तो बेटा इसका नाम हमने इक्वेशन 1 रख दिया, ये बात समझ आ गई? बेटा ये इक्वेशन 1 जो बनाई सबको समझ आ गई? ठीक है सबको आ गई? मीरान आ गया। ठीक है अब इसका फाई इनवर्स निकालोगे 0.8 का, तो 0.8 का जो फाई इनवर्स है वो कहाँ मिलेगा आपको? 0.8 ढूंढना है आपको, तो हमने ढूंढ लिया 0.7995, इसमें 5 प्लस करोगे तो इसका मतलब ये कहाँ पर है? 0.842 पे, ये कहाँ पर है? 0.842 पर है, ये हो गया 10 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। कहाँ पर था भाई ये? 0.842 पे, 0.842, ये हो गया 10 माइनस म्यू, 0.842 सिग्मा, ये हो गया 10 माइनस म्यू, डाल दो 4 माइनस 1.378 सिग्मा, 0.842 सिग्मा, ये हो गया 6 माइनस माइनस प्लस 1.378 सिग्मा इज इक्वल टू 0.842 सिग्मा, यानी सिग्मा निकाल लेते हैं। तो भाई 1.378 में से सिग्मा माइनस में आ रहा है, माइनस में तो नहीं आएगा। The length in centimeter of leaves of a different type of tree, sorry, the length of the leaves of a particular type of tree are modeled by distribution. A scientist measures the length of a random sample of 500 leaves from this type of tree and finds that 42 are less than 4. Less than 4 की probability 42 over 500 हो गई। 42 over 500 का मतलब है 0.084। फिर वो कह रहे हैं finds that, सही है, and 100 are more than 10 centimeter long, तो 10 से बड़े की प्रोबेबिलिटी हो गई 100 over 500, ये आ गई 0.2, तो लेस देन की आ गई 0.8, जी 1 माइनस 0.084, ये आ गया 0.916। यहाँ पर माइनस इसलिए लगाया था 4 माइनस में हो गया 0.916, 1.378 यही आएगा म्यू, 4 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1.378 सिग्मा, और म्यू इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1.378 सिग्मा, सही निकाला है। 0.8 की प्रोबेबिलिटी आ रही है 0.842 पे आ रही है, 0.842 ही लिखा मैंने, 0.842 सिग्मा हो गया। म्यू की वैल्यू डाली 4 माइनस 1.3, 10 माइनस 4 करूंगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
माइनस में कैसे आ रही है? अच्छा जाएगा म्यू माइनस फोर, जाएगा म्यू माइनस फोर, जाएगा फोर प्लस। ठीक है बेटा, समझ आ गई यहाँ तक? 0.842 प्लस 1.378, और इसको 6 डिवाइड बाय आंसर कर देंगे तो हमारे पास आ रहा है 2.703। सिग्मा आ गया बेटा, म्यू निकाल लेंगे। सर एक बार पूरा ओवरव्यू दे देंगे वापस एक क्वेश्चन का? ठीक है, अभी दे देते। मीन आ गया बेटा 7.724। चेक कर लेते हैं आंसर, 2.707.7 सही आ बेटा। देखो बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो 42 जो है वो ऐसे हैं जो लेस देन 4 हैं, तो हमने प्रोबेबिलिटी लिख दी 42/500। उन्होंने कहा कि मोर देन 10 सेंटीमीटर जो है वो 100 है, तो हमने ऐसे लिख दिया। ये बात समझ आ गई? यस सर। उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी डेसिमल की फॉर्म में लिख दी। डेसिमल की फॉर्म में लिखने के बाद हमने ये देखा कि ये प्रोबेबिलिटी एक्स को जब मैंने फाइव की फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर फाइव को उधर ले जाके इन्वर्स किया, जब इन्वर्स किया तो ये 0.5 से छोटा है। जब 0.5 से छोटा होता है तो यहाँ माइनस लगा देते हैं सही, और इसको 1 में से माइनस करके लिख देते हैं सही। यहाँ से एक क्वेश्चन बनाई, वहां से भी एक क्वेश्चन बनाई, साइमल्टेनियस सॉल्व कर लिया। ठीक है, ओके समझ। सेकंड सवाल में कह रहा है फाइंड हाउ मेनी ऑफ दीज लीव्स द साइंटिस्ट वुड एक्सपेक्ट टू हैव लेंथ इन सेंटीमीटर बिटवीन दीज संदेश। देखो बेटा, म्यू प्लस टू सिग्मा और म्यू माइनस टू सिग्मा, इसको कहते हैं डेटा विद इन टू स्टैंडर्ड डेविएशंस। ये फिक्स परसेंटेज होती है, कितनी परसेंटेज होती है दिखा देते हैं आप। सर एक सवाल पूछना था बस, कि अगर लेस देन 0.5 होगा तो हम नेगेटिव साइन लगाएंगे। एक मिनट सवाल करो, तो जनाब ये मैं आपसे कह रहा था कि वन स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा फिक्स होता है 68% और टू स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा फिक्स होता है 95%। तो इसको आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि आपका जो टू स्टैंडर्ड डेविएशन का डाटा है वो 95% डाटा होता है। तो वो कह रहा है कि विद इन दिस रेंज कितना डाटा होगा, तो 95% होगा। तो 95% ऑफ 500 निकालेंगे, आंसर आ जाएगा 95% ऑफ 500 निकालेंगे तो 475 आंसर है। और इन अदर वेज अगर आप चाहते हैं कि मैं निकालूं उसको, तो यहाँ पर आप रख दें वैल्यूज। बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है,
वो कहना चाह रहा है जनाब कि प्रोबेबिलिटी निकालो एक्स की म्यू प्लस टू सिग्मा और म्यू माइनस टू सिग्मा यहाँ से यहाँ तक की। तो जनाब हम क्या करते हैं, हम बड़ी वाली वैल्यू में से माइनस करते हैं छोटी वाली वैल्यू को, तो जनाब ये क्या बन जाएगा, फाइव बन जाएगा एक्स वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ये बन जाएगा जनाब एक्स वैल्यू माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सब कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा फाइ ऑफ टू और ये बन जाएगा फाइ ऑफ माइनस टू। जनाब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वन में से माइनस होना था तो हम इसको माइनस वन लिख देंगे, तो टू टाइम्स फाइ ऑफ टू में से माइनस वन कर देंगे। कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? अब मीरा ने और क्या पूछना था आपको, पूछे सर? मैं पूछा जा रहा था अगर लेस देन 0.5 होएगा तो हम नेगेटिव लगाएंगे हमेशा, यहाँ पर नेगेटिव लगाएंगे और इसको वन में से माइनस करके लिखेंगे और इसको वन में से, और अगर पॉजिटिव होगा तो जरूरत नहीं रहेगी। सही है, ये वाला पार्ट समझ आ गया। दूसरा वाला यस सर। आगे चलते हैं, वो कह रहे हैं द वेट्स ऑफ बैग्स ऑफ शुगर आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन, आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, वो कह रहे हैं टोटल बैग 200 हैं और 1.10 वो कह रहे हैं 1.10 से बड़ी जो प्रोबेबिलिटी है वो 72 बैग्स हैं आउट ऑफ 2000, तो 72 आउट ऑफ 2000 ये हमें दिया हुआ 0.036, ठीक है, तो ये x ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो अगर हम इसको लेसर देन पे कन्वर्ट कर लें तो ये बन जाएगा जनाब 1 माइनस 0.036। सर 1 से माइनस करेंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे, ये हो जाएगा, नहीं 1 से माइनस करके नेगेटिव साइन क्यों लगाएंगे भाई, अभी तो ग्रेटर देन से लेसर देन बनाया है, दो तो चीजों को मिक्स मत करो सर, इनवर्स करने में थोड़ी कंफ्यूजन है, सवाल कराता हूँ हमारे का दौर। तो बेटा ग्रेटर देन से जब लेसर देन कन्वर्ट किया ये हो गया, अब इसको फाइव बना लो, फाइव बनाने के लिए क्या लिखोगे इसको, एक्स वैल्यू माइनस म्यू, म्यू कितना है 1.04 अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना है अननोन, और इज इक्वल्स टू कितना है 0.964। अब अम्मार हम ये कह रहे हैं कि ये इधर ही रहेगा और फाइव उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, और अम्मार मैंने ये बताया कि अगर ये वैल्यू 0.5 से छोटी है तो यहाँ माइनस लगा दोगे, तो क्या ये 0.5 से छोटी है? नहीं, वो अच्छा से वो बाद में करते हैं। हाँ ठीक है, तो जनाब यहाँ पर हम 0.964 पर ढूंढेंगे, ले जाए अब 0.964 ढूंढो कहाँ है 0.964, नीचे है तो 0.9633 मिल गया, इसमें 7 प्लस कर देंगे इस पे आ रहे बेटा ये 1.798 पे आ रहा है, 1.798 तो किस पे आ रहा है ये 1.798 पे आ रहा है, तब सिग्मा निकालने के लिए आप डिवाइड कर दो 0.06 डिवाइडेड बाय 1.798 ये जनाब आ गया 0.0338, समझ आ गया बेटा, क्लियर है बेटा? अमार
में कह रहे हैं पार्ट सी में कि 95% जो ना टी से बड़ी वैल्यू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन टी आपको दिया हुआ है 95%। पहली बात, ग्रेटर देन को आप कन्वर्ट करते हो लेसर देन में, तो ये हो गया एक्स लेसर देन टी, ये आ गया 0.05। अब हमारा ज़रा समझना, अब इस टी को कन्वर्ट करेंगे म्यू अपना जी में, फाई में, फाई ऑफ क्या बन जाएगा, एक्स वैल्यू माइनस म्यू, म्यू कितना था बेटा 41.2 अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना बेटा 3.6। अब ये जो फाई इनवर्स होगा उधर जाके, जब तुम फाई इनवर्स करोगे बेटा, तो अब जब ये फाई इनवर्स करोगे तो ये वैल्यू 0.5 से छोटी है बड़ी है, बट 0.5 से बड़ी है तो मसला नहीं है, छोटी है तो प्रॉब्लम है, याद नहीं रहा सर हमें तो याद नहीं रहा। तो भाई यहाँ देखो ना, 0.05 टेबल के अंदर मिलेगा ही नहीं तुम्हें, अभी 0.05 कहीं नजर आ रहा है टेबल में आपको, नहीं है, 0.5 से शुरू है, तो इसका मतलब है आपको याद आ जाएगा अभी तो टेबल में है ही नहीं, इसका मतलब मुझे इसको पलटना पड़ेगा, तो मैं यहाँ माइनस लगाऊंगा, और माइनस लगाने के बाद मैं इसको लिख दूंगा फाई इनवर्स ऑफ 0.95। हमारी बात समझ आ गई, ठीक है, 0.95 का मतलब नीचे लिखा हुआ है 1.645। ये हो गया 1.645, तो जनाब 1.645 मल्टीप्लाई हो रहा है 3.6 से, और ये हो गया 5.922, 41.2 में से ये वैल्यू माइनस कर दो तो टी आगे बेटा 35.278 अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 35.3। समझ आ गया बेटा, इन्वर्स करना आ गया। हाँ भाई अम्मार इन्वर्स करना आ गया, मीरान इन्वर्स करना आ गया, ठीक है जी। तो यही चीजें हमारी बाकी थी, जैसे अब यहाँ पर सिग्मा निकालने को बोल रहा है, तो सिग्मा निकालने को भी आपको सिखाया था मैंने, यहाँ पर क्या कह रहा है, गिवन दैट 83.4% एक्स ग्रेटर देन कोई वैल्यू है जैसे एम मिल जरा, वो कह रहा है कि गिवन दैट 83.4% ऑफ मेल जिराफ्स वेज मोर देन 950, तो ग्रेटर देन 950 की जो प्रोबेबिलिटी है आपको दी हुई है 0.834। अब इसको आप सबसे पहले म्यू फाइव पे कन्वर्ट करो, फाइव पे कन्वर्ट करने से पहले उसको आप लेसर देन पे लाओगे, तो एक्स लेसर देन 950 के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर वन में से माइनस करोगे, तो 1-0.834 करोगे, ये आ गया 0.166। अब इसको आप फाइव में कन्वर्ट करोगे, जनाब हो गया एक्स वैल्यू माइनस म्यू, म्यू कितना है बेटा 830 डिवाइड बाय सिग्मा, हो गया 0.166। माइनस करोगे 50 और 70 950 माइनस 830 120। अभी उधर जाके इनवर्स तो होगा, लेकिन इनवर्स करोगे तो 0.5 से छोटा है, इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा -120, और इसको तुम फाइ इनवर्स लिख लोगे 0.834 का, 0.834 ढूंढो, 0.834 मिल गया, 0.97 पे मिला है, यहाँ पर आ जाएगा 0.97 -120 अपॉन सिग्मा, तो यहाँ पर जो मीन था वो 1190 था, सॉरी
1190, ये दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन थी, माइनस 1190 माइनस 950, 240 है, जाएगा माइनस 240 और माइनस चलना, ये प्लस बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ गया सवाल। तो सिग्मा निकालने के लिए 240 को डिवाइड करते हैं 0.97 से, ये आ गया 247.4। क्लियर है बेटा, समझ आ गया, क्लियर है बच्चों, नॉर्मल भी क्लियर हो गया। तो तकरीबन 8 बजे मैं क्लास शुरू करता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं आप लोगों को एयरली पेपर करवाता हूँ। अच्छा यार, कल वाली क्लास जो आप लोगों की 6 बजे से 9 बजे तक है, तो कल मैं आप लोगों की क्लास 6 बजे से लेकर 7 बजे तक लूँगा, उसके अंदर मैं आपको एयरली पेपर सॉल्व कराऊँगा। नहीं, पहले मैं आपको ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन करा देता हूँ, ठीक है, 6 बजे, फिर मेरी यूनिवर्सिटी